अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जो आपके पास मॉलिकुलर फार्मूला होगा उसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म को शो करेगा। ठीक है, हम मॉलिकुलर फार्मूला को पहले देख लेते हैं, ठीक है, देन इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके सिंपलेस्ट रेशियो को बताएगा। रेशियो का मतलब आपको पता है कि दो के दरमियान में आपने निस्बत फाइंड करनी होती है। ठीक है, इस तरह से रेशो, या उसको आप डिवाइड के साइन से शो कर सकते हो। ठीक है, या भी इस तरह से शो करते हो। ठीक है, मैथ में आपने देखा होगा। पहले हम मॉलिकुलर फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी, जैसे कि बेंजीन है ना, बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा। ठीक है, अभी हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूला को देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये आपको बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि एक कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, ठीक है, वो आपको बताता है ये। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताएगा। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको बेंजीन का पूछा जाता है, तो C6H6, यानी कि उसके अंदर कार्बन एटम 6 है और हाइड्रोजन एटम 6 है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम 6 है, हाइड्रोजन के एटम्स 6 हैं, तो ये इसका क्या बता रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है, कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के 6 हैं। ठीक है, सेम एज द केस C6H12O6 है। ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। ठीक है, तो ये आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है कि कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे इसके कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। ठीक है, अब इन्हीं के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जैसे कि अगर आप 6/6 करो, 6/6 कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, 6:6। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 6/6 कट गए, 6/6 आ गई, तो आपके पास इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH, पीछे बताया मैंने। ठीक है, इसी तरह से अगर ग्लूकोज का आपको पूछा जाता है कि इसका बताएं, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएं, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोग इसको 6:12:6 लिखोगे। कैसे करोगे? 6/6, 6/12, 6/6। ठीक है, मतलब इसका कैसे फॉर्मूला लिखोगे आप? CH2O। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? N। और N क्या हो सकता है? N कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, एनीथिंग। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कह रहे हो? एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ओके, सिंपलेस्ट होल रेशियो आपको पता चलेगा किस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से प्लीज नॉइज को इग्नोर करिएगा। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा अगर HCl है, ठीक है, अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, ठीक है, उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, जैसे कि HCl है, ठीक है, वाटर है, वाटर का भी, ठीक है, HCl है। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, HCl है, ठीक है, एंड वाटर है। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही है। ओके, MCQs के लिए हाथ से इंपॉर्टेंट है कि बताएं कौन से वो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आई विल आंसर। अच्छा जी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ H2SO4, ठीक है, इसका आपने इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे बताना है, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे बताएंगे H2O2 का इंपेरिकल फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, ओके। इंपेरिकल रेशियो बताएंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला इनका क्या बनेगा, या रेशियो बता दे या फिर फॉर्मूला बता दें, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आप लोग ज़रूर करें, ओके। थैंक यू सो मच।